वो लीगल एस्पेक्ट ये है कि जिस वक्त इवेंचुअली वो जिस वक्त नैप कोई प्रोसिक्यूट करती है किसी को और रेफरेंस जो है वो अदालत में आ जाता है, तो जब तक ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए, जबकि केस की नौीयत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो अर्निंग की कैपेसिटी से ज़्यादा किसी ने अपने एसेट्स बना लिए हैं, तो उस सूरत में वो उस तमाम प्रॉपर्टी को फ्रीज कर छोड़ते हैं ताकि कल को अगर फैसला आ जाता है उसके खिलाफ तो उनके पास रिकवरी का कोई ना कोई तरीक़ेकार हो कि जहाँ से वो अमाउंट जो उस सूरत में जो उनके ऊपर जुर्माना डाला जाएगा या उनको कॉन्फिस्केशन के जो ऑर्डर होंगे, तो वो उस वक्त उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनको अवेलेबल हो।